ग्रामीणों ने रायपुर करचुलियान में बनाई जा रही सड़क में पुलिया बनाए जाने की मांग की। रायपुर दो पुलों की मांग को लेकर रीवा कलेक्टर के नाम एसडीएम रायपुर को पत्र सौंपकर ग्रामीणों ने मांग रखी है। आगे जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुमार सोनू मोनू ने बताया, जो नई रोड बनाई जा रही है उसमें मतहा तालाब में पानी न जाने का रास्ता बाजार मोड़ थाना के पास जो पुरानी पुलिया बनी थी वह बंद कर दी गई है। अब उसके ऊपर नई पीसीसी रोड बनाई जा रही है जिसमें मतहा तालाब में बरसात का पानी जाने का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। रायपुर वासियों का कहना है कि वह पुलिया नहीं बनाई जाए और पुलिया दुलारे पासी के घर के पास नई पुलिया बनाई जाए, जो कि मतहा तालाब में कई वर्षों से पानी नहीं आ रहा है, पूरा तालाब सूखा हुआ है। तालाब में पानी न होने की वजह से कई वर्षों से गर्मियों में रायपुर में पानी की समस्या बनी रहती है। कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी पानी की समस्या पैदा हुई थी, जो कि बरहदी नहर से पानी छुड़वाया गया था। ऐसी समस्या ना हो इसलिए मतहा तालाब तक पानी पहुंचाने के लिए एक पुलिया दुलारे पासी के घर के पास और दूसरी पुलिया बाजार मोड़ थाना के पास जो पुरानी पुलिया थी उसी में नई पुलिया बनवाई जाए। ज्ञापन देने के दौरान पंडित बालकृष्ण द्विवेदी, रज्जू सोनी, रिशु गुप्ता, मोनू गुप्ता, अनुराग सोनी, पुनीत कुशवाहा, अर्जुन साकेत, धीरू बंसल सहित ग्रामीणजन उपस्थित रहे। धन्यवाद।